हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन एयरड्रॉप इनसाइड चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एक एयरड्रॉप है जैसा कि ऑलरेडी जूल डी और हमें 1500 से 3000 डॉलर का प्रॉफिट दे चुका है। प्रूफ चैनल पे पड़े हैं, वीडियो भी मैंने दिखाई थी, होल्डर भी को क्लेम मिला था दोस्तों। तो यहाँ अब सेम उन्होंने कहा है कि ये है कम्युनिटी के लिए, जो कि जूल बी और जूल डी स्टैक करेंगे या होल्ड करेंगे। तो क्या है होल्डर एंड स्टैकर? देखिए, स्टैक नाउ, होल्ड और स्टैक नाउ आपके पास ऑलरेडी हैं, क्योंकि एयरड्रॉप्स के हमें मिले तो हमने होल्ड करके रखे थे कि प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होगी, एक डॉलर जाएगा, लेकिन मार्केट डंप हो चुकी थी जिस वजह से काफ़ी दोस्तों के पड़े हैं। तो जिन दोस्तों के पड़े हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, जिनके पास नहीं है वो अभी बाय करके, क्योंकि रेट भी डाउन है, रख दें, जैसे मार्केट ऊपर आएगी तो आपको उससे भी प्रॉफिट हो जाएगा और हमें ये एयरड्रॉप मिल जाएगा। मैं कोई दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ कि भाई आप भी इस बाय करके रख दें, आपकी मर्ज़ी है, ये आपका ओन रिस्क है, इस पर आप बाई करके होल्ड करें तो आपको दोस्तों यहाँ मिलेगा। दोस्तों यहाँ हमें मिलेगा एक जूल बी, अगर यानी कि 200 डॉलर के करीब से ऊपर का है, अभी तो प्राइस मैंने नहीं देखी, तो 10 आपको सी एच यू एम एस जो है इनका ये मिलेगा दोस्तों, चैम हॉन, ठीक है, चैम हॉम इनका है फिनांस का ये। तो अगर जूल डी एक है तो आपको 0.175 मिलेंगे। हमारे पास 3000 से लेके 1500 के करीब ये हैं, तो यानी कि 1500 हमें ये टोकन मिलेंगे। हो सकता है ये 1500 टोकन 15 से 20 डॉलर के हों या 1500 डॉलर के हों, अभी कोई अपडेट नहीं है, जस्ट मैंने न्यूज़ अभी देखें। मैं आपको इनके मीडियम के आर्टिकल पे लेके चलता हूँ, एक घंटा पहले इन्होंने न्यूज़ अनाउंस की ये है, ठीक है, चम हम जो फिनांस है उसकी तरफ से है। दोस्तों यहाँ आपको पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी जूल डी जूल बी होल्डर के लिए, और एस एल पी स्टेकर आपको रिसीव होंगे, उसके रेशो के हिसाब से आपको एयर ड्रॉप टोकन रिसीव होंगे। ये दोस्तों यहाँ कह रहे हैं कि इफ़ यू होल्ड जूल जूल बी एंड जूल डी, इट इज़ नीड टू वॉलेट ऑन वेयर यू ऑन प्राइवेट की, यानी कि आपके पास आपकी प्राइवेट की यानी कि ट्रस्ट वॉलेट में आपके पास होने चाहिए, जिस वॉलेट की आपके पास की होगी। तो दोस्तों तो देखें, ये कह रहे हैं कि वी विल टेक ए वन रैंडम स्नैपशॉट इन अपकमिंग 10 डेज इफ़ यू होल्ड एंड स्टैक जूल डी जूल बी इंक्लूडिंग जूल जूल एंड जूल डी पेयर्स आपके सामने है। आपको अगर यहाँ से देखें आपके यहाँ इन्होंने क्या कहा है, तो दोस्तों सबसे पहले तो होल्ड बेस्ट है, मैंने तो स्टैक पे लगाए हुए हैं, तो होल्ड और स्टैक ये कह रहे हैं कि और स्टैक जूल बी एंड जूल डी इंक्लूडिंग जूल एंड जूल डी पेयर्स एलपी टोकन, ठीक है, टेक ए मोमेंट, ये आपके सामने है, यू विल रिसीव सी एच यू एम टोकन। ये रेशो का इन्होंने हिसाब डाला है, इस रेशो से मिलेंगे आपको अपकमिंग एयर ड्रॉप्स है, अच्छा एयर ड्रॉप्स हो सकता है, प्रॉफिटेबल एयर ड्रॉप जूल डी की तरह हो सकता है, तो बिल्कुल मिस ना करें फटाफट। अगर आपके पास जूल डी पड़े हैं तो पड़े रहें, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आप कर लें होल्ड। होल्ड का आपको ये जो चैम हम फाइनांस के जो टोकन है दोस्तों मिलेगा, ये मेरे ख्याल में जूल स्वैप ऑलरेडी लिस्ट है, अभी कोई मुझे मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, मैं आपको सीधा सा बता दूं कि अभी कोई अपडेट नहीं है, जस्ट एयर ड्रॉप्स की अपडेट है जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो फटाफट इस एयर ड्रॉप्स को आप कवर कर लें ताकि आपको ये टोकन मिल सके। इसकी मज़ीद अपडेट दूंगा, ये इसकी जो है एस एल पी जो स्टैक है ना, एस एल पी टोकन, तो स्टैक किस पोल्स में करने हैं अभी कोई अपडेट नहीं, जस्ट हम होल्ड करेंगे बस, जैसा कि होल्ड किए हुए हैं हमारे पड़े हैं, हमें ट्रस्ट वॉलेट में इसके टोकन मिल जाएंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि वो वॉलेट जिसके आपको जिसकी प्राइवेट की आपकी ओन योर प्राइवेट की, ठीक है, आपके पास यानी कि जिस वॉलेट में है पड़े रहें, आपकी की आपके पास हो, यानी कि आपका अपना वॉलेट हो। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।